खुशहाल पश्चिम बंगाल बंगला भाषी और हिंदी भाषी मेल मिलाप से बना एक खुशहाल राज्य, जहाँ भारतीय कला और संस्कृति की झलक हर जगह दिखाई देती है। अब इस शैतान के शैतानी से काफी कर डरती। बंगाल में भी धीरे धीरे दीमक की तरह शैतानों का जन्म होना शुरू हो गया। इधर दूसरी तरफ भैया जी और राका मिलकर राजनीति में अपने कदम जमा रहे थे। ये सब बेवकूफ जनता हमारे जाल में फंस गए हैं। तभी धीरे धीरे आसनसोल शहर माफियाओं का गढ़ बनने जा रहा है और भैया जी और सुलेमान लोगों के खून से होली खेल रहे थे। भैया जी और राका के ग्रुप ने मिलकर एक शैतान काल को जन्म दिया, जहाँ पहले से ही एक शैतान ने अपनी धाक जमाई हुई थी। भैया जी से दुश्मनी मार के ही जिंदा काट देंगे। शैतान को पकड़ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें जाबाज ऑफिसर चाहिए। जैसे त्रेता युग में रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ था, ठीक वैसे ही शैतान काल में रावण को मारने के लिए देवरस के रूप में एक राम का जन्म हुआ। इंस्पेक्टर देवरस, तो शैतान को पकड़ने के लिए हमें एक्शन लेना होगा। सर जिगर में है वो आग, जिसे देखकर शैतान भी जाएगा भाग। भैया जी, राका भाई आज दूसरे मूड में हैं। नाचने से तेरे मेरा दिल धड़के, नाच गोरी और जमके, जिस्म पे इत्र नूरानी मलके। मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपराध तो हम जरूर करेंगे देवर बाबू, लेकिन अपराध ही नहीं बनेंगे। भैया जी, राका की जगह इमरान को बादशाह बनाना है। दो नंबर के धंधे की शुरुआत आज से ही करते हैं। कि भैया जी के काले साम्राज्य का अंत होना बहुत जरूरी है। राका भाई, ऐसे ने नाम अर्दों का लेके डॉन बनिएगा। उस साले को जिंदा दफना दो। दंगा करता है, बेकसूर लोगों की जान लेता है, उनको जिंदा जलाता है, बोल ऐसा क्यों किया तूने? अरे दरोगा बाबू, आप हमारा ही खाकर हमी से बेईमानी। प्रकाश की गंदी नजर हमेशा से ही फूल जैसी बबली के ऊपर थी। देख तेरी वाली आई। हेलो बेबी, डीएस के तरफ से तोहफा। डीएस से कहना मेरा मजनू बनना आसान नहीं है। तुझसे खुद को जुदा ना होने दूंगा, मैं खुद पाना हो जाऊंगा। तेरे होठों पे खामोशियां ना आने दूंगा, तेरे पलकों पे गम की नमी ना छाने दूंगा। ये जान ले तू, कुछ भी हो जाए बबली, हम तुमको हासिल करके ही रहेंगे। हाँ, अब बच सकता है तो बच के दिखा। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। किसी को मारने के रखा खुद हथियार बन जाता है।